पन्ना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इन आरोपियों के द्वारा पन्ना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 2 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया था। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने विभिन्न मामलों में चोरी किया गया लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल एवं 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहना है पन्ना पुलिस अधीक्षक की जुबानी पूरे मामले की कहानी। विगत कुछ दिनों से पन्ना में मोटरसाइकिल चोरी, नकबजनी, इनका सिलसिला जारी था। इसके संबंध में चर्चा कर एक क्रॉस 4-5 थानों की टीम और लाइन का बल लगाया गया, साइबर का भी सहयोग लिया गया। और जो बार बार हमको संदेह हो रहा था, गांधीग्राम में एक बस्ती है जहां पर कुछ चोरों के होने की संभावना थी, तो उस पर बिल्कुल सुबह जो है वो दबिश दी गई और वहाँ से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में समझ में आया है कि इन लोगों ने लगभग 20 चोरियाँ जो है पन्ना शहर की कबूल की हैं, जिससे लगभग 8.5-9 लाख के आसपास का मशरू का जो है इनके पास सोने चांदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन्स के तौर पे बरामद किया गया है। इसमें 7 लोग अरेस्टेड हैं, 2 अभी फरार हैं जिनकी पुलिस जाँच कर रही है। इसमें एडिशनल SP SDOP के मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, तो इसमें लगभग 20 अपराध हैं। इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि जो पूरी टीम है उसको 1 से 1.5 लाख के बीच का इनाम पूरे ऑपरेशन के लिए दिया जाए। और भी आरोपियों की संलिप्त होने की आशंका है? नहीं, अभी 2 आरोपियों की संलिप्तता है जो कि अभी उनको अभी पकड़ना बाकी है।